केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले का आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। कीर्ति आजाद ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेटली के खिलाफ सबूत दिए थे और दावा किया था कि डीडीसीए में बड़े स्तर पर आर्थिक हेरफेर हुए हैं। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि जेटली चोर हैं, मुझे सस्पेंड करना पार्टी का दुर्भाग्य है। आजाद ने यह भी कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आजाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो तो 9 साल से इसके लिए आवाज उठा रहे थे, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो पार्टी खुद है। आजाद ने कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने कीर्ति आजाद को सस्पेंड करने को लेकर एक खत भेजा है जिसमें निष्कासन की वजह बताई गई, लेकिन आजाद ने ऐसा कोई खत मिलने से इनकार किया है। राम मंदिर निर्माण के लिए 20 टन पत्थरों की नई खेप अयोध्या लाए जाने का मामला बुधवार को राज्यसभा में छाया रहा। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने इस मुद्दे को उठाया, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पत्थर तराशे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी द्वारा उठाए गए मुद्दे का हंगामे के बीच जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उनकी सरकार अदालत के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जाने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। नकवी ने कहा कि 1990 से पत्थर तराशने का काम हो रहा है और जहां पत्थर तराशे जा रहे हैं वह जगह विवादित स्थल से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी और सरकार का मत है कि अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए और वो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे, इसलिए इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक साधु संतों के रहने और पत्थर तराशे जाने का सवाल है, तो यह समझना चाहिए कि ये साधु संत अयोध्या में रहते हैं और पत्थर तराशने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मामला अदालत में लंबित है और तब तक अदालत के फैसले का इंतजार सबको करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये गलत तरीके से मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है जो यूपी में सत्ता में है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम न हो जिससे अदालत की अवमानना हो और उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़े। अयोध्या में शिला पूजन के बाद से देश की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने फिर से राजस्थान से पत्थर मंगाकर अयोध्या में शिला पूजन किया तो साधु संतों का पारा गरम हो गया है। अयोध्या के साधु संतों को समझ में नहीं आ रहा कि बीएसपी यानी विश्व हिंदू परिषद कितनी बार शिला पूजन करेगा। रामलला के मुख्य पुजारी से लेकर निर्मोही अखाड़े तक के साधु संतों का आरोप है कि यूपी में सत्ता पाने की छटपटाहट में भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को आगे कर फिर से राम के शरण में पहुंच गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए गुजरात और राजस्थान से पत्थर मंगाए गए हैं। रविवार को राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने इन पत्थरों की पूजा की थी। इस मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा था कि ईश्वर की कृपा से राम मंदिर निर्माण का वक्त आ गया है, जबकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने होम सेक्रेटरी से मामले की रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि विवाद केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी ने साफ कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए बीएसपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। मंगलवार को बीएसएफ का हवाई जहाज क्रैश क्यों हुआ, सवाल उठे। श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद सबजंग एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन शहीदों के परिवार के आंसुओं के साथ जो सवाल खड़े हुए उनका जवाब भारत सरकार के पास मिल नहीं पाया और राजनाथ सिंह खुद परिजनों के सवाल टालते हुए नजर आए। मंगलवार को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक बीएसएफ हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। क्रैश में 10 जवानों और अफसरों की मौत हो जाती है। श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को सफदरजंग एयरपोर्ट खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ सत्यपाल सिंह समेत कई अफसर पहुँचते हैं। सवाल परिजन पूछते हैं, लेकिन सरकार और मंत्री जवाब नहीं दे पाते कि क्या केवल जांच से ही जवानों की मौत की कीमत लगाई जा सकती है। इन सरकार का दावा है कि हादसे से सीख ली जाएगी, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या महज एक जांच की रिपोर्ट से जवानों की मौत को तोला जा सकता है।
झालरापाटन को मुख्यमंत्री की सौगात। मुख्यमंत्री ने झालरापाटन के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की सौगात दी। झालरापाटन दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिले को करीब 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने अपने विकास घोषणाओं में झालरापाटन के द्वारिकाधीश मंदिर के लिए 160 करोड़ रुपए, पीपा धाम मंदिर के लिए 184 करोड़ रुपए, क्यासरा महादेव मंदिर व झारनेश्वर महादेव मंदिर के विकास के लिए कार्य योजना तैयार कराने में झालावाड़ शहर में 12.5 करोड़ रुपए के सड़कों का विकास कराने की घोषणा की। इस दौरान वो नगर पालिका चुनाव में झालरापाटन और झालावाड़ में किए गए बदलाव को लेकर अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि वो दोनों शहर का विकास कराएंगी, लेकिन इसके लिए कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग होगी। इस दौरान उन्होंने कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। जिले के विकास के साथ ही उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने शिक्षा के लिए मॉडल स्कूलों को तैयार कराने जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा को बढ़ाना है तो मॉडल स्कूलों को तैयार किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राजस्थान की ओर से एक राज्य स्तरीय दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। दस्तावेज तैयार करने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभिभावकों और शिक्षाविदों से राय ली जा रही है। इसी के चलते आज शिक्षा संकुल स्थित एसएसए सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ की ओर से की गई, जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। इस बैठक में जिला स्तर पर नई शिक्षा नीति के लिए आई सिफारिशों और राज्य स्तर पर प्राप्त मुद्दों को शामिल करने पर विचार किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि सहित कई लोग मौजूद रहे। आज दिन भर चली इस बैठक के बाद बैठक में आए तमाम विचारों को देखते हुए एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा और इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जिससे राष्ट्रीय नीति में इसका अनुमोदन किया जा सके। अब तक अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग शिक्षा नीति होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश भर में एक ही शिक्षा नीति होगी और केंद्र सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। हर राज्य से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में राजस्थान नंबर वन रहा, क्योंकि अब तक 20,000 से ज्यादा सुझाव इसके लिए दिए गए हैं। देश में पहली बार केंद्रीय स्तर पर बन रही शिक्षा नीति के लिए देश भर में सर्वाधिक सुझाव राजस्थान से आए हैं। पंचायत से लेकर जिला स्तर पर अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने केंद्रीय शिक्षा नीति के लिए अपने सुझाव दिए हैं और इनमें कुछ और सुझाव जोड़ते हुए इसे केंद्र सरकार को जल्द ही भेजा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के अनुसार पंचायत और ब्लॉक स्तर से सुझाव लेकर पहली बार देश की शिक्षा नीति बन रही है और इसमें सर्वाधिक सुझाव राजस्थान से आने का मतलब है कि जो नीति बनेगी इसमें राजस्थान की जनता की राय को सबसे ज्यादा महत्व मिलेगा और सरकार उसके अनुरूप ही नई शिक्षा नीति की घोषणा करेगी। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर सुझाव आ चुके हैं और आज प्रदेश स्तर पर भी सुझाव लेने के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और कालीचरण सराफ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि जो सुझाव आए हैं उसे जल्द से जल्द केंद्र सरकार से अवगत कराएंगे, ताकि बनने वाली शिक्षा नीति में राजस्थान की जनता के सुझाव को शामिल किया जा सके। राज्य सरकार ने नगर निगम में ठेकेदारों और सफाई कर्मियों को भुगतान के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। यूनियन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने ठेकेदारों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि दिए जाने की व्यवस्था को शुरू कर दिया है। पिछले दिनों नगर निगम में ठेकेदारों और सफाई कर्मियों को भुगतान के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार की ऑडियो सीडी का खुलासा क्या हुआ, राज्य सरकार ने अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में सफाई समिति अध्यक्षों का भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने अब ठेकेदारों और सफाई कर्मियों का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं, जिससे इनके बीच की कड़ियां समाप्त कर भ्रष्टाचार रोका जा सके। मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के मुताबिक राज्य सरकार में केवल आरोप मात्र पर सफाई समिति के चेयरमैन से इस्तीफे ले लिए गए। विपक्ष चाहे कितने ही आरोप लगा ले, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने की मुहिम नहीं थमेगी। खेतड़ी में एक नाबालिग माँ अपनी एक 5 साल की बच्ची को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। खेतड़ी नगर थाने के बनवास निवासी अशोक खान की पत्नी पूजा अपने 5 साल की बेटी गुंजन को लेकर रविवार दोपहर अपने पीहर नारनौल जाने की बात कहकर घर से निकली। इसके बाद वह न तो पीहर पहुंची, न तो वापस घर लौटी। बच्ची और माँ को सिंघाना सर्किल पर एक व्यक्ति मिला, जिसने बच्ची को गाड़ी में बैठा लिया और उसे सावा ले जाकर कड़ाके की ठंड में रात को बैग लाने का बहाना बनाकर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद बच्ची सुबह करीब 4 बजे कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ी थी, तो करीब 4 बजे मस्जिद में सफाई का काम करने वाला रफीक नाम का युवक आया और उसने बच्ची को देखा। उसने बच्ची से यहाँ आने व उसके परिजनों के बारे में पूछा तो वह सिंघाना बोल रही थी, तो उसने पास के रहने वाले राम निवास बेनीवाल के घर पे उसे ले गया और वहाँ उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपनी माँ पूजा के साथ अपने नानी के यहाँ जा रही थी,
तो उसे एक आदमी गाड़ी में बैठाया और उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। बच्ची ने यह भी बताया कि रास्ते में किसी अस्पताल में माँ को भर्ती करवाया, जहाँ उसे 3 ग्लूकोज लगवाई थी और दोनों आपस में कोई बच्चा गिराने की बात कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सौंप दिया है और उसकी माँ की तलाश तेज कर दी है। बूंदी जिले के गेंडुली इलाके में शराब पार्टी के दौरान दो व्यक्ति आपस में भिड़ गए और एक व्यक्ति ने लाठियों से पीट पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। फिलहाल गेंडुली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गेंडुली इलाके के चाचोले की झोपड़िया गांव में देर रात को शराब पार्टी के बाद रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक वर्ग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस शराबी व्यक्ति ने मीट पार्टी का आयोजन किया था और इस पार्टी के बीच पैसे की लेन देन की बात आ गई और रामलाल के पास पड़ी हुई लकड़ी से राती राम के सिर पर वार कर दिया। सिर पर लगी चोट के बाद राती राम बेहोश हो गया। घटना की जानकारी के अनुसार पुलिस को जब इस मामले की सूचना लगी तो गंभीर अवस्था में पुलिस ने वर्द को बूंदी के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों के दलों ने वर्द को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने दबिश देकर एक युवक को हिरासत में भी लिया है। इस झगड़े में एक युवक घायल भी है, जिसका बूंदी के सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। गेंडोली थाना पुलिस ने मृतक वर्द का पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गेंडोली थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल हत्या की मामले की जांच की जा रही है। डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के खाकी दौरा में उस समय सनसनी फैल गई जब बाना गांव निवासी सरमतपति राम निवास जाट का शव बरामद हुआ। शव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के खाकी दौरा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जयपुर राजमार्ग के किनारे बाना गांव के सरपंच पति राम निवास जाट का शव बरामद किया। यह शव हाईवे के किनारे फेंका हुआ था और आज दोपहर बाद राहगीरों की सूचना पर श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने इसे बरामद किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाना गांव के सरपंच मेनका का पति राम निवास 2-3 दिन से जयपुर गया हुआ था, जिसे मंगलवार रात किन्हीं अज्ञात लोगों ने मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। फिलहाल इस घटना को लेकर अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं और इस वारदात के पीछे रुपयों के आपसी लेन देन की सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलने पर श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी निकेत पारिक ने शव को बरामद किया और शक के आधार पर बाना गांव के निवासी एक युवक को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तो हिरासत में ले लिया है। अब देखना होगा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को किस प्रकार पुलिस गिरफ्तार कर पाती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाती है। हनुमानगढ़ की टिब्बी के साबुहाना में युवक को पीट पीट कर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने असफलता हासिल की है। दो युवकों को जो आरोपी थे उन्हें हिरासत में लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने भी शव को लेकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के अनुसार साबुहाना गांव की एक युवती किसी युवक के साथ घर से भाग गई थी और उसके बाद युवती के परिजनों ने शक के आधार पर गांव के ही दो युवकों को उनके घर से उठाया और अपने घर ले जाकर उनसे मारपीट की। सुबह पुलिस ने जाकर युवकों को लड़की के घर से छुड़वाया और उन्हें हनुमानगढ़ के राज्य के अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान एक युवक बंशीलाल की मौत हो गई और रिश्ते में लगते उसके चाचा की हालत गंभीर थी, जिसे जयपुर के अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है। मृतक बंशीलाल का टाउन के राज्य के अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया था और पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार किया था। पुलिस से मांग की थी कि वे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और वे शव को लेकर धरने पर बैठेंगे। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और दो आरोपियों गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके बाद परिजनों ने मृतक का शव मोर्चरी से ले लिया और पुलिस की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार किया। घटना के बाद मृतक के परिजनों की मांग थी कि 9 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसके चलते आनन फानन में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अब दावा किया है कि जो आरोपी और हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोटा के MBS अस्पताल परिसर में एक युवती पर अश्लील फक्तियां कसना एक युवक को भारी पड़ गया। युवती ने पकड़ कर युवक के साथ जमकर धुनाई कर दी। मामला MBS अस्पताल परिसर स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला का है। केंद्रीय प्रयोगशाला के सामने एक युवती बुधवार दोपहर मोबाइल से किसी से फोन पर बात कर रही थी। इस दौरान एक युवक अपने दो दोस्तों के साथ वहां से निकल रहा था। युवती को देखकर वह रुक गया और युवती पर फक्तियां कसने लगा। युवती ने शोर मचाया तो युवक भागने लगे। युवती ने भागकर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य युवक भाग गए। युवती ने मनचले युवक पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। घटना देख अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए। छेड़छाड़ की जानकारी लगते ही लोगों ने भी युवक की जमकर धुनाई कर दी। लड़का हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और अपनी दलीलें देता रहा, लेकिन लोगों ने उसे जमकर पीटा। सूचना पर चौकी के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि जब तक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, युवक मौका पाकर वहां से निकल गया। लोगों ने उससे पीछा कर पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवती की तरफ से भी किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। अगर रिपोर्ट मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में ब्यूटी पार्लर संचालिका को नशा मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।
पुलिस उससे अश्लील फोटो बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुराना शहर के बागर चौक में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली इस महिला ने सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 दिसंबर को प्रीति सिंह नाम की परिचित महिला उसके पार्लर पर आई। उसने उसे नशा मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके अश्लील फोटो ले लिए। इसके बाद महिला उसे बदनाम करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की मांग करने लगी। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश करने पर उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया गया है। महिला द्वारा महिला को अश्लील फोटो खींच कर ब्लैकमेल करने का यह मामला अनोखा है। पुलिस उससे अश्लील फोटो बरामद करने का प्रयास कर रही है, साथ ही यह पता लगाने का प्रयास भी कर रही है कि उसने किन्हीं और महिलाओं को तो अपना शिकार नहीं बनाया था। अलवर नगर विकास न्यास की ओर से आज अतिक्रमण हटाया गया। अलवर के 200 फीट रोड स्थित और हनुमान चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया है, जहां पर कच्चे और पक्के सभी अतिक्रमणों को हटाया गया। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आज अतिक्रमण दस्ता वहां मौके पर पहुंचा और लोगों का भी आरोप लगा कि वहां पर किसी तरह का पहले कोई नोटिस नहीं दिए गए, लेकिन आज अतिक्रमण पूरी तरह से साफ किया गया है। अलवर नगर विकास न्यास की ओर से आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें शहर के हनुमान चौराहे 200 फीट रोड के समीप अतिक्रमण हटाया गया। दस्ते ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया, जिसमें दुकानदारों द्वारा किए गए कच्चे व पक्के अतिक्रमण को हटाया गया। न्यास द्वारा चलाया जा रहा पीला पंजा दुकानों पर भारी पड़ा, जिसमें दुकानदारों का विरोध भी देखने को मिला। दुकानदारों का आरोप था कि नगर विकास न्यास ने किस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक की कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर के दुकानदारों ने विरोध किया है। वहीं नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी का कहना था कि हनुमान चौराहे पर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके चलते अतिक्रमण हटाना बहुत आवश्यक है। पूर्व में भी यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है, उसके बाद दोबारा से लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसको लेकर के अभी अतिक्रमण दोबारा हटाया गया है और अभी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। काफी बड़े स्तर पर आज अतिक्रमण हटाया गया है, जहाँ पर जो रोड थे उनको पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ था, उनको भी आज नगर विकास न्यास ने साफ कर दिया। काफी बड़ा रोड होने के बावजूद भी वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ देखी जाती थी, जिसको लेकर के अतिक्रमण आज साफ किया गया है। नगर विकास न्यास को लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, जिसको लेकर के आज नगर विकास न्यास ने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2015 के अंत तक राजधानी जयपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत संबंधित फर्म और नगर निगम प्रशासन राजधानी जयपुर के हर घर से कचरे का कलेक्शन करेंगे। दरअसल जयपुर नगर निगम शहर का कचरा उठाने के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना की DPR को अंतिम रूप पहले ही दे चुका है। अब डोर टू डोर योजना के प्रस्ताव को 30 दिसंबर को नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में रखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो नगर निगम प्रशासन 15 फरवरी तक डोर टू डोर योजना के टेंडर जारी करने के बाद संबंधित फर्म को वर्क ऑर्डर भी जारी कर देगा, यानी फरवरी अंत तक राजधानी जयपुर में यह योजना शुरू हो जाएगी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना शुरू होने के साथ ही राजधानी वासियों को सफाई के लिए टैक्स भी देना होगा, साथ ही इस योजना के लिए केंद्र सरकार से भी फंड दिया जाएगा। भवानी मंडी के उपखंड क्षेत्र के गुरैमाना पंचायत में जिस तरह राशन की दुकान पर ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है, वहीं खराब गेहूं की वजह से उनको काफी दिक्कत हो रही है और खाने में भी उनको दिक्कत आती है, जिसका नजारा है गुरैमाना पंचायत के राशन की दुकान पर देखने को मिला। जब वहाँ समाचार प्लस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जिस तरह से पूरे गेहूं जो खराब पड़े हुए थे, सबसे बड़ी बात देखने को आती है जिस तरह से घर में अनाज जो खाने का होता है वो अगर इस तरह से खराब होगा तो आखिर वो ये ग्रामीण लोग क्या खाएंगे, इसकी एक बांध की गुरैमाना को देखने को नजर आई। हम जब वो मौके पर पहुंचे तो हमने वहाँ के राशन डीलर से बात करी तो उन्होंने बताया कई समय से खराब गेहूं आ रहे हैं। हमने इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारी को भी की है, लेकिन उन्होंने गेहूं चेंज नहीं करे, जिसकी ग्रामीणों को काफी दिक्कत आ रही है। जब ग्रामीण यहाँ गेहूं लेने आते हैं तो खराब गेहूं देखकर चले जाते हैं, इससे हमारा जो कमीशन होता है उसमें भी घाटा पूर्ति होती है। कई समय से ये खराब गेहूं आ रहे हैं लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी से करी है। अब ये देखना होगा कि ग्रामीणों की कब कौन सुनता है, और जिस तरह से उपखंड अधिकारी को इस राशन की दुकान की शिकायत हुई है कि यह खराब गेहूं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन अधिकारी भी लापरवाही होती होगी जो भारतीय खाद्य निगम से यह गेहूं इन राशन की दुकान तक पहुंचता होगा। रसद महकमे के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए श्रीगंगानगर में IDP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना लगाते हुए रसद महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे लोगों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण में मनमानी की जा रही है। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि राशन के नाम पर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। रसद महकमे के अधिकारियों और राशन डीलर की मिलीभगत से जमकर घपला किया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों की जानकारी के बगैर ही उनके हिस्से का राशन का उठाव किया जा रहा है।
ऐसे में इन लोगों ने श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना लगाया और रसद महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों की माने तो जब तक राशन वितरण में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं लाई जाती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि रसद महकमे के अधिकारी इन लोगों की मांगों को कब तक मान पाते हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही भरतपुर शहर के वार्ड नंबर 44 की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सर्कुलर रोड पर जाम लगाकर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के प्रिंस नगर कॉलोनी में विगत 3 महीने से पानी नहीं आने के कारण नाराज महिला और लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा और सर्कुलर रोड पर जाम लगा दिया। इससे काफी लंबी वाहनों की कतार लग गई। उधर महिलाओं का कहना है कि जलदाय विभाग सहित आला अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं मिल रहा और बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। जाम की सूचना मिलते ही थाना मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची और समझा, इसके बाद जाम खुलवाया। हम आपको बता दें कि जाम लगने के बाद सर्कुलर रोड पर दोनों तरफ से काफी लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम की सूचना पर पहुंची थाना मथुरा गेट पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। दो दिन पूर्व छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद आज सीकर की कृषि उपज मंडी में माकपा नेताओं द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जहां माकपा नेता धारा 144 तोड़ने के लिए आतुर थे तो वहीं पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। पूरे दिन धरना और प्रदर्शन के बाद करीब 5 बजे माकपा नेता अमराराम और पेमाराम उनके साथ करीब आधा दर्जन अन्य नेताओं ने धारा 144 तोड़कर अपनी गिरफ्तारी दी तो वहीं पुलिस ने राहत की सांस ली। दो दिन पूर्व छात्र संगठन SFI ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने हुए थे और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। उसी घटना के विरोध में आज माकपा ने एक बड़ी सभा करने का ऐलान किया है। जिला रोजगार केंद्र और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से उदयपुर के सूचना केंद्र में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 8वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हासिल करने वाले सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले में लगभग 15 कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए थे। इन कंपनियों में बैंकिंग, सिक्योरिटी और कई अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई कंपनियां शामिल थी। इस रोजगार मेले में आने वाले युवाओं को भटकना न पड़े इसके चलते एक स्पेशल स्टॉल लगाई गई थी, जहां उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें संबंधित कंपनियों के पास भेजा जा रहा था। इस मेले में रोजगार पाने वाले कई युवाओं के चेहरे खुशी से झूमते हुए देखे गए। वहीं पर यहां आए हुए कई अधिकारियों का कहना था कि इन युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन स्किल नहीं है। ऐसे में यदि स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को और गति दी जाएगी तो कई युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।